म्हणजे संवर्धन संमेलन. कृषी संमेलन हे बीड की पालवणी बीड जिले में पालवणी. तो ये आइडिया ऐसा है कि स्टूडेंट्स तक ये जो पेड़ के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, सीड्स के बारे में, जो छोटा पेड़ होता है, बड़ा पेड़ होता है, ग्रास होता है, ये सब के बारे में अवेयरनेस आने के लिए, और एडवर्स कंडीशन में कैसे पेड़ लगता है, उसके लिए व्हील पावर कैसे बढ़ाना, ये सब कर रहे हैं. और स्टूडेंट तो सब बड़े लोग ही स्टूडेंट ज़्यादा है कि वो अपने को समझ में नहीं आ रहे कि हम लोगों ने बहुत पेड़ काटा है तो ये पेड़ और कैसे लग सकते हैं. और ये अपने हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, और हो सकता है कि ऐसे हैप्पीनेस के लिए ज़्यादा लोग एक तरह आएंगे, ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे. यही आइडिया है. वृक्ष बैंक बना रहे हैं कि बैंक में जो होता है कि वृक्ष बैंक होती है, श्रेष्ठ होती है, बड़ी होती है. जिसके पास वृक्ष है वो बहुत रिच आदमी होता है. जो वृक्ष है वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में है, उसका इम्पोर्टेंस लोगों को बताने के लिए वृक्ष सम्मेलन कर रहे हैं. अभी कितने वृक्ष लगाए सर आपके देवराय में? गिनती नहीं किया कि ये किसको दिखाना नहीं, इसलिए गिनती नहीं किया. कौन कौन से पेड़ लगाए सर? क्या जरूरत है उनको, कौन कौन से लगाए? देशी पेड़ जो है वही सब लगा रहे हैं. अभी मैं 200 पेड़ का नाम तो नहीं ले सकता हूँ. मतलब कौन से लगे आम के? अरे ऐसा आम का उनका नहीं होता है. पेड़ देशी पेड़ जो है वो मैक्सिमम लगाए हैं. उसको मतलब परीक्षा ले रहे हैं या देशी पेड़ जो अपने इंडिजिनस जो यहाँ बीड के जिले में जो पेड़ है वो लोग पेड़ बच्चों को ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, उनको सीड ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, और वो इधर लगाने की कोशिश कर रहे हैं. आप लोगों क्या आह्वान करोगे इस बारे में? लोगों को आह्वान ये करूँगा कि अगर आपको पता चलता है कि आप ऑक्सीजन पे जी रहे हो तो ऑक्सीजन पे कुछ करना चाहिए. गाड़ी बंगला इसके लिए नहीं करना चाहिए. अगर इतना भी समझ आ गई तो बहुत खुश हो जाऊँगा. थैंक यू सर.